आज हम हैं ब्रूज में, जो बेल्जियम का एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। ये अपनी कॉबल स्ट्रीट्स, कैनाल्स एंड मेडिवल लुक के लिए फेमस तो है ही, पर ये और भी फेमस है अपनी चॉकलेट, वॉफल्स एंड बियर के लिए। और हाँ, ये वही शहर है जो आपने पीके मूवी के सॉन्ग चार कदम में देखा होगा। हे, दिस इज़ नेहा, और आज के इस वीडियो में हम आपको टूर कराएंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड क्यूट सी आर्टिसनल चॉकलेट शॉप का, जिसका नाम है ला बेल्जी गुरमान। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गो इनसाइड। अगर आप एक चॉकलेट लवर हैं तो ये शॉप आपके लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है। वाह, इस शॉप में जाते ही मज़ा आ गया। एंड बिलीव मी गाइस, ये मेरे ब्रूज ट्रिप का बेस्ट एक्सपीरियंस था। यहाँ आपको बहुत ही अलग अलग तरह की शेप की एंड साइज की चॉकलेट मिलेंगी, जैसे कि ये बिग चॉकलेट है जिसको तोड़ने के लिए आपको वुडन हैमर भी मिलता है। ब्रूज एक विंटर पैराडाइज है और ये अपनी क्रिसमस मार्केट के लिए पूरे यूरोप में बहुत ही फेमस है, जहाँ शॉपिंग करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। चॉकलेट बेल्जियम इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल एंड लार्ज चॉकलेटियर्स इन ब्रूज। यहाँ मुझे टूल शेप्स की चॉकलेट दिखी, जो सिर्फ ब्रूज में ही मिलती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है गेयर, डोरहिन, सिजर्स, नट की शेप की चॉकलेट्स, जो मुझे बहुत ही यूनिक एंड आर्टिस्टिक लगी। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी व्हाट्स नेक्स्ट। Here are some macarons, and ये बहुत ही delicious थे। Macaron एक French cookie है और ये आपको अलग अलग colors and flavors में मिलेगी। Here are some praline, जो एक almond coated confectionery है, जिसकी बहुत ही creamy consistency होती है और taste में it's similar to fudge. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो आप देख रहे हैं, ये है क्यूबकॉन्स या न्यूज, विच मीन्स लिटिल नोज। ये बेल्जियम स्पेशलिटी है एंड नॉन चॉकलेट बेस्ड कैंडीज है। सो गाइज, मैंने तो यहाँ से बहुत सारी चॉकलेट्स ली, खुद के लिए भी एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए भी। और आप कभी ब्रूज आए तो यहाँ की चॉकलेट शॉप्स का एक्सप्लोर करना ना भूलें। दैट्स इट फॉर नाउ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में बताएं। And don't forget to like, share and subscribe. See you guys in next one. Bye-bye.